तुम्हारे सामने सहाबा का मनहज है, उस मनहज के पैरोकार बन जाओ। सहाबा किराम तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर के हुक्म के बगैर हरकत तक गवारा नहीं करते थे, एक हरकत तक। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने अबू ज़र गिफारी को एक जगह खड़ा होने का हुक्म दिया, ला तबरा मकानक, अबू ज़र यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से हिलना नहीं, हिलना नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, जब तक वापस ना आऊँ यहाँ से तुमने हिलना नहीं, यहाँ खड़े रहो। अबू ज़र खड़े हो गए, इमामुल अंबिया चले गए और कहीं गायब हो गए, नजरों से ओझल हो गए, और थोड़ी देर बाद एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ, जैसे कोई बम का धमाका होता है। अबू ज़र गिफारी परेशान हो गया कि मबादा नबी अलैहिस्सलाम पर कोई आफत, कोई तकलीफ ना नाजिल हो गई, कोई परेशानी ना बन गई हो। सोचा कि भाग कर जाऊं और अपने प्यारे पैगंबर को देखूं। भागने का इरादा ही किया कि नबी अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई कि अबू ज़र यहां खड़े रहना, यहां से हिलना नहीं। अब एक तरफ मोहब्बत का इम्तिहान, जिसका तकाजा ये कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर के पास जाऊं और आपको देखूं, और एक तरफ इताअत का इम्तिहान, जिसका तकाजा ये कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर जो कुछ फरमा चुके वो पत्थर पर लकीर, उससे इन्हराफ नहीं होगा, खड़े रहे खड़े रहे। और ये इताअत ही तो मोहब्बत है, मोहब्बत किस चीज का नाम, इसी इताअत का नाम। ये दीन को इश्क और आशिकी का दीन नहीं है। अल्लाह के अंबिया आते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, जो उनकी बात मानेगा वो सच्ची मोहब्बत कर रहा है, और जो उनकी बात नहीं मानेगा वो तमाम तर दावों के बावजूद अपनी मोहब्बत में झूठा है। खड़े रहे, नबी अकरम का हुक्म है खड़े रहना, खड़े रहे। थोड़ी देर बाद इमाम अलिया तशरीफ ले आए, देखा दिल मुतमइन हो गया, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर देखकर आंखें ठंडी हो गईं। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लम, मैं तो बड़ा डर गया था, सहम गया था। अबू ज़र क्यों, जब आप नजरों से ओझल हो गए तो वहां एक खौफनाक धमाका हुआ, मैंने सोचा कहीं आपको नुकसान ना पहुंच गया हो, मगर वहां इसलिए ना पहुंच सका कि आपका हुक्म था यहां खड़े रहना, इसलिए खड़ा रहा। आपने अबू ज़र गिफारी के इस इकदाम की तहसीन की और फिर फरमाया कि अबू ज़र तुमने वो धमाका सुना था? जी सुना था। फरमाया कि वो धमाका जिब्रील अमीन की आमद का धमाका था, वो मेरे पास आए थे, और आज उनकी आमद, उनका आना इस धमाके के साथ हुआ। हालांकि जिब्रील अमीन 23 साल आए, कभी ऐसा धमाका नहीं हुआ, आज ये धमाका क्यों हुआ? फरमाया कि आज जिब्रील अमीन एक बड़ा अहम हुक्म अल्लाह की तरफ से लेकर आए, उस हुक्म की तादीम और उसकी हैबत में ये जोरदार धमाका हुआ, बड़ा अहम हुक्म, बड़ा अहम पैगाम लेकर आए, उस पैगाम की तादीम के लिए, उस पैगाम की तकरीम के लिए और उसकी हैबत दिलों में पेवस्त करने के लिए और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए यह धमाका हुआ। पैगाम क्या है? मेरे बंदों को बता दो, अपनी उम्मत को बशारत दे दो, बशर बशारत दे दो कि आपकी उम्मत का वो फर्द जो तौहीद पर मर जाए उस पर जहन्नम हराम है, वो जन्नती है। ये पैगाम दे दो, तौहीद का अकीदा जन्नत के दाखिले की नवीद है, ये पैगाम दे दो। इस पैगाम की हैबत, इसकी अजमत को उजागर करने के लिए यह जोरदार धमाका पैदा हुआ, ताकि यह बात भी धमाके के साथ उम्मत तक पहुंचे। मगर पेश करने का मकसद यह है कि सहाबा किराम की जमात, जिनका ईमान क़यामत तक के लिए मिसाली ईमान है, उनकी इताअत का जज्बा क्या था? यहां से हिलना नहीं, हिले नहीं, हालांकि तकलीफ दे सूरत हाल बज़ाहिर बन चुकी थी, हिले नहीं इमामुल अंबिया की इताअत।